बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुज़हत, वेलकम है मेरे चैनल पे। तो चलिए जी, आज की मज़ेदार रेसिपी छोला कुलचा की रेसिपी शेयर कर रही हूं। छोला कुलचा जो है हम अक्सर घर पे बनाते हैं या स्ट्रीट फूड से लेकर खाते हैं, लेकिन आज मैं आपसे सिंपल सी रेसिपी को जो है बहुत ही डिफरेंट तरीके के साथ आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को भी पसंद आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ आज हम इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुलचा के लिए आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए ले रही हूँ 1 kg मैदा। इसमें ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon सोडा ऐड कर रही हूँ, जो हम इडली डोसा पे ऐड करते हैं ना उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ 3 tablespoon। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही जो है थिक कट इस्तेमाल कीजिएगा। 3 tablespoon दही ऐड कर रही हूँ और इसी टेबलस्पून से जो है इसमें ऐड कर रही हूँ तेल। तेल की जगह पे आप बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 4 tablespoon तेल ऐड कर रही हूँ। दही, तेल और ये जो मिल्क पाउडर है ना, इससे जो है हमारा कुलचा जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा ऐड कर देंगे ना तो फर्मेंटेशन अच्छे से नहीं होता। थोड़ा नमक जो है आप ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लास्ट में इंस्टेंट जो है ईस्ट ऐड कर रही हूँ। ईस्ट को जो है मैंने कुछ भी पानी में डिज़ोल्व नहीं किया है, डायरेक्ट आटे में ही ऐड करके अच्छी तरह से मैं इसे पहले मिक्स कर लूँगी। और हाँ, ईस्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो हमेशा जो है फ्रेश ही लीजिएगा। ईस्ट अगर ओल्ड हो जाता है ना रखे रखे फ्रिज में, वो जो है ठीक से फर्मेंटेशन नहीं होता, इसीलिए कोशिश कीजिएगा फ्रेश लेने के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका आटा गूंद लूँगी। पानी भी जो है मैंने इसे हल्का सा गर्म कर लिया, यह नीम गर्म पानी है। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड नहीं किए हैं तो थोड़ा सा इसमें दूध के साथ ही आप गूंद लीजिएगा। अब देखिए आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है, ऊपर से जो है थोड़ा सा तेल ड्रॉप करके अच्छे से इसे अप्लाई करके इसे जो है हम ऊपर नीचे करके इसे ढक के रख देंगे 2 घंटे के लिए। वैसे ये जो है ना बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, क्योंकि ईस्ट जो है मेरा बहुत फ्रेश था। 1 घंटे के अंदर भी जो है ये फर्मेंटेशन हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 घंटे तक भी रख सकते हो। तो चलिए तब तक हम जो है छोला बना लेते हैं। छोला के लिए है यहाँ पर मैं ले रही हूँ काबुली चना। काबुली चना को मैंने रात में सोख कर लिया था। अब सुबह में जो है मैंने इसमें हल्का सा नमक ऐड करके थोड़ा पानी ऐड करके इसे बॉईल कर लिया है। अब देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और छोले भी जो है अच्छा सा गल गया है। तो चलिए अब हम इसे स्टफिंग के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया। इसमें ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon तेल। जब तेल गरम हो जाएगा इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा जब अच्छी तरह से चटक जाएगा, फ्राई हो जाएगा, इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। ये 4 प्याज थे मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे जो है हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक जो है हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कलर अच्छे से आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 teaspoon ऐड कर रही हूँ। इसे भी जो है अच्छे से हम भून लेंगे जब तक जो है कच्ची स्मेल ना ख़त्म हो जाए। अब सूखे मसालों में हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 teaspoon, धनिया पाउडर 1 teaspoon। मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, जितना स्पाइस खाते हैं उसके हिसाब से ले सकते हो। छोला मसाला 2 teaspoon ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे। इस छोले में जो है तेल और टमाटर का क्वांटिटी आप थोड़ा कम ही लीजिएगा, क्योंकि हम इसे स्टफ़ कर रहे हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। इस तरह से मैश करते हुए आप पकाते जाएंगे ना तो टमाटर भी जो है अच्छे से मैश ही हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक ऐड कर रही हूँ, वाइट नमक और ब्लैक नमक भी ऐड कर रही हूँ। ब्लैक नमक जो है आप इसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ ही साथ इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ में ऐड कर रही हूँ खटाई के
लिए आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि टमाटर का इस्तेमाल कम कीजिएगा, क्योंकि मैंगो पाउडर से जो है इसका टेस्ट और ज़बरदस्त टैंगी टैंगी पन आ जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये छोले जो हमने गला के बॉयल करके रखा है। हल्की आंच में जो है हम इसे ऊपर नीचे करते हुए थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। फिर चाहे तो आप इसकी फ्लेम हाई भी कर सकते हो। लो फ्लेम पे जो है थोड़ा सा ये सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाते जाएंगे। और मुझे थोड़ा नमक कम लगा तो इसीलिए मैं इसमें जो है नमक ऐड कर रही हूँ। चाहे तो ब्लैक सॉल्ट भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अब जो है इस स्पैचुला से या किसी भी मैशर से जो है हम थोड़ा सा इसे मैश कर लेंगे, क्योंकि हम इसे स्टफ़ कर रहे हैं कुलचे के अंदर। तो इसीलिए अगर थोड़ा ये मैश रहेगा ना तो अच्छे से ये बाइंडिंग एक दूसरे से अच्छे से जुड़ के रहेगा, स्टफिंग भी। जब हम बेलेंगे कुलचा को तो वो बाहर नहीं आएगा। तो हल्का सा मैंने इसे मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, उससे फ्लेवर आपको बहुत ज़बरदस्त दस्त आ जाएगा। लास्ट में ऐड कर रही हूँ मिंट पाउडर। आप चाहे तो फ्रेश पुदीने के पत्ते भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन पुदीना पाउडर से जो है और मज़ेदार हो जाता है। इसका खुशबू, इसका फ्लेवर ज़बरदस्त बन जाएगा। तो बस हमारा छोला बनके तैयार है। तो चलिए अब मैं इसमें लास्ट में फ्लेम भी ऑफ कर दिया है, लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इसे मैं कुक नहीं करूँगी, जस्ट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब जो है अच्छे से पक गया है। तो छोला हमारा बनके तैयार है। इसे कम्प्लीटली हम इसे ठंडा कर लेंगे। जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं होता हम आगे की तरफ नहीं चलेंगे, क्योंकि हम स्टफ़ कर रहे हैं। अगर गर्म रहेगा ना तो पूरी तरह से हमारा काम बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आटा भी देखिए, 1 घंटा ही हुआ था मुझे आटा गूंथ के रखते हुए, फिर भी देखिए कितना अच्छी तरह जालीदार बनके अच्छे से फर्मेंट हो गया। हल्का सा हम इसे गूंथ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर जो भी है वो निकल जाए। अब जो है छोटे छोटे बॉल के साइज के हिसाब से हम इसकी लोई निकाल लेंगे। जितना आपको साइज कुलचा का चाहिए उसके हिसाब से भी आप इसकी लोई ले सकते हो। ये जो है थोड़े मोटे ही रहेंगे ना तो बेस्ट रहेगा, खूबसूरत भी लगेगा। अब देखिए थोड़ा सा मैंने इसे बेल लिया है एक पूरी के साइज के हिसाब से। बीच में स्टफिंग रख के हम इसे कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से जैसे कचौरी को करते हैं ना, स्टफ करके हम थोड़ा सा फैला लेते हैं, इसी तरह से जो है बीच में जो है स्टफिंग थोड़ा बढ़कर रखिएगा। स्टफिंग से भी जो है बहुत, अगर कम कर देंगे अंदर ना तो उतना टेस्ट नहीं रहेगा। अच्छे से इसे कवर करने के बाद हल्का सा इसे फ्लैट कर लेंगे हाथों से, फिर ऊपर थोड़ा सा जो है पानी से ब्रश करके सफ़ेद तिल को छिड़क रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ, ताकि जब ये अच्छे से पकेगा ना तो खूबसूरत भी लगेगा। अब देखिए फिर से मैं आपको सेम मेथड से बता रही हूँ। रोटी मैंने बेल लिया पूरी के साइज से, स्टफिंग रख के 3 टेबल स्पून स्टफिंग मैंने इसमें रखा है। हल्का सा हम इसे प्रेस करके कवर करके थोड़ा सा जो है हाथों से ही हम इसे फ्लैट कर लेंगे, फिर जो है पानी जो है ब्रश कर लेंगे। पानी से ब्रश करेंगे ना तो तिल जो है अच्छी तरह से इसमें फिक्स्ड हो जाएगा, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल मैंने किया है। तो इस तरह करके जो है एक टाइम में जो है एक तवे पे जो है आप 3 या 4 कुलचा बना सकते हो। तो एक साथ जो है मैं 4 कुलचा बना लूँगी, 3 कुलचा या 4 कुलचा तो बन जाएगा। इस तरह करके बना के हम थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट में रख देंगे ताकि ये और थोड़ा सा फूल जाए। एक 5 मिनट तक जो है हम इसे कुलचा को इस तरह से स्टफिंग करके, चाहो तो आप ऊपर से जो है कपड़े से कवर करके रख दीजिएगा। फिर आप 5 मिनट बाद देखेंगे कि और ये थोड़ा जो है फूल जाएगा। तो देखिए 5 मिनट बाद देखिए थोड़ा सा ये फूल गया है। अभी पूरी तरह से तैयार है कुक होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आप यहाँ पे तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हो या इस तरह से पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए, साइज़ जो है थोड़ा बड़ा रहेगा ना तो एक टाइम में आपको जो है 3 या 4 कुलचा भी आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह करके मैंने थोड़ा सा तेल इसमें ऐड कर लिया है, 5 to 6 टेबल स्पून तेल जो है मैं इस पैन में ऐड कर लिया है। जब तेल गर्म हो गया तब जो है मैं 4 कुलचे एक साथ रख के इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई होने के लिए रख दूंगी, लिड क्लोज करके। तब तक जो है हम बाकी की कुलचा भी बना लेते हैं सेकेंड बैच के लिए। तो देखिए 3 से 4 सेकेंड बाद देखिए कितना अच्छे से फूल गया है, 5 मिनट भी नहीं हुआ।
दो मिनट हुआ होगा, दो मिनट बाद जो है अच्छे से ये फूल गया था। इसे जो है मैं फ्लिप कर दूंगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसकी बेस में। इसी तरह से फिर से मैं इसे फ्लिप करके इसकी लिड क्लोज करके फिर से एक दो मिनट के लिए इसे रख दूंगी थी। दो मिनट बाद देखेंगे ये और फूल जाएगा और अच्छी तरह से सीख भी गया है। कलर भी देखिए अच्छा खासा आ गया है। फिर भी जो है हमें इसे अच्छी तरह से और फ्राई करना है। इसका साइड में जो है ना ये तो थोड़ा मोटा ही है, तो इसीलिए साइड में इस तरह करके हम सेकेंगे ना तो चारों तरफ भी जो है अच्छे से ये कुक हो जाएगा। जितना अच्छा हम इसे इस तरह से उलट पलट करके सेकेंगे ना उतना ही अच्छे से ये कुक भी होगा और खूबसूरत भी लगेगा। चाहो तो आप इसमें यहाँ पे और तेल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इस तरह करके देखिए चारों तरफ मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब जो है कुलचा हमारा बनकर तैयार है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही न्यू तरीका है, न्यू लुक के साथ आप सभी के साथ मैं इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। शायद ही आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इसे जो है हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह करके जो है हमारा फर्स्ट बैच कुलचा बनके तैयार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने स्टफ बन बनाया हो। ये जो है सेम वैसा ही, उसकी खुशबू भी वैसे ही थी, इतना महक रहा था पूरा घर। अब मैं इसी पैन में जो है फिर से थोड़ा सा तेल अप्लाई करके सेकेंड बैच भी जो है हम कुलचा को इसी तरह से रख देंगे। तो देखिए एक कुलचा बनने में भी उतना ही टाइम लगेगा, चार से पांच कुलचा बनने में भी उतना ही टाइम लगेगा। जितना बड़ा आपके पास तवा होना उसका जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा। बस इसे आप लिड क्लोज करके ही आप इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि लिड क्लोज होने से क्या होगा ये और अच्छे से फूल जाता है, जैसे कि हम इसे बेक कर रहे हैं। लेकिन बेक के लिए हम इसे उलट पलट कुछ नहीं करते, फौरन जो है हम इसे यूं ही बेक कर लेते। लेकिन ये जो कुलचा है इसे हम उलट पलट करते हुए, गोल घुमाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। तो बस इस तरह करके हमारे सारे कुलचा बन के तैयार है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्मी है। इसे मैं जो है सर्व कर रही हूँ दही और पुदीने की चटनी के साथ, और ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ अचार का ऊपर का तेल का हिस्सा है ना उसके साथ मैं इसकी गार्निशिंग एंड कर रही हूँ। इससे जो है और खूबसूरत लगेगा। आप इसे अचार के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसे तोड़ के भी बताती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है ना कुलचा भी, देखिए बहुत ही मुलायम, बहुत ही अंदर से जो है खिला खिला बना है, और स्टफिंग भी देखिए अच्छा खासा भर के है। तो बस यहाँ पे कुलचा का वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।